मंगल ढिलोन चैनल, एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिलोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन गुरु पिता ओमकारा जी महाराज, धन सभी धर्मों के संत, भक्त, महापुरुष, देवी देवता, अवतार, पीर पैगंबर और प्रॉफिट साहिबान। गुरु प्रेमियों, रब भगवान से मेरी बातें, माय कन्वर्सेशंस विद गॉड, रब नाल मेरी गल्लां। इस श्रृंखला में ये एपिसोड नंबर 120 होगा। हालांकि मैंने पिछले एपिसोड में कहा कि वो आखिरी एपिसोड था, 119 नंबर, दैट वाज द लास्ट एपिसोड, लेकिन ये एक तरह से उसका निचोड़ है। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने या तो सारे एपिसोड ध्यान से नहीं देखे या फिर जिनको संदेह है या जो लोग नए जुड़े हमारे साथ उन्होंने पीछे जाके नहीं देखा या जिसने भी किसी कारण सभी एपिसोड्स नहीं देखे। क्योंकि अक्सर जिस तरह के मैसेज मुझे आते हैं हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें या व्हाट्सएप पे जो लोगों के सवाल हैं उससे मुझे लगता है कि उन्होंने या तो ध्यान से नहीं देखा। जैसे मैंने एक जिक्र किया था, एक सज्जन ने मुझसे पूछा था कि ओमकारा जी महाराज भी हैं इस संसार में या उन्होंने शरीर छोड़ दिया। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि मतलब इन्होंने ध्यान से देखा नहीं है। मैं तो बार बार कहता रहा हूं एक अदृश्य शक्ति। अब ये तकरीबन 119 एपिसोड ये मेरे अपने व्यक्तिगत अनुभव थे अलग अलग तरह के। उसमें काफी सारे एपिसोड्स इस पर थे जब उस अदृश्य शक्ति ने, जिन्होंने अपना नाम मुझे गुरुपिता ओमकारा जी बताया, उन्होंने जो कुछ मेरा मार्गदर्शन किया, मुझे जवाब दिए, जो जानकारियां दी, काफी सारे एपिसोड्स उस पर आधारित थे। अब ये मैं बहुत पहले बातें कर चुका हूं लेकिन सिर्फ उसमें से चुनिंदा बातें, एक तरह का एनालिसिस। जैसे बहुत सारे लोगों ने इस बात को माना, किसी ने यह भी लिखा कि आप ज्यादा एक्सप्लेन मत करें, हमको विश्वास है। देखिए, यहां भांत भांत के लोग हैं इस दुनिया में और हमारा मकसद है कि हो सकता है जैसे बंजर जमीन होती है लेकिन अगर वहां हल चलाया जाए, बारिश हो तो फसल बहुत होती है। तो इसलिए जो लोग कहीं अटके हुए हैं अगर उनको भी यकीन आ जाए कि भाई ये सारा कुछ मुझे लिखित रूप में आया। अब देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। मैंने पहले कहीं ये जिक्र किया होगा कि लोगों को प्रकाश हो जाता है, अमृत की वर्षा होती है, अनहद ध्वनि सुनने लगती है, एहसास होने लगता है, बहुत कुछ ऐसी घटनाएं उनके साथ घटती हैं, उनकी दृष्टि खुलने लगती है। आगे आने वाले समय में जो घटनाएं घटने वाली होती है उनको पता लगने लग जाता है। ये अलग अलग अनुभव हैं लोगों के और ऐसे बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ये मेरा अहोभाग्य है। तो मेरे साथ जो ये हुआ लिखित रूप में संदेश का आना, मैंने शुरू में ये सारी बातें कही हैं तो मेरी गुजारिश है जिन लोगों को किस तरह का संदेह हो या पूरी जानकारी चाहते हो वो ये एपिसोड जरूर देखें जब भी समय मिले, बीच बीच में टाइम निकाल के, और साथ में कोई डायरीज वगैरह जरूर रखें, नोट करते रहें पॉइंट, ताकि आपको बाद में आप भूल न जाएं। हमारी मेमोरी बड़ी शॉर्ट लिव्ड होती है, भूल जाते हैं, तो नोट करते जाएं जो आपको काम की बात लगे। मेरे जीवन का मैंने बार बार कहा है कायाकल्प हुआ है। शुरुआत में जब मैंने कहा कि आपको यकीन नहीं आता है, क्योंकि मेरे जीवन में ये, किसी के भी जीवन में ये
एक अद्भुत घटना है, गैर यकीनी है, अनबिलीवेबल है। तो मैंने तो माना ही नहीं था शुरू में, मैंने बिल्कुल नहीं माना। मुझे लगा, जैसा मैंने बार बार जिक्र किया है, कि कोई बाबा है, उसके पास एंड्रॉयड फ़ोन होगा, इंटरनेट फैसिलिटी होगी, या उसे किसी चेले के पास होगी, और वो उसको पता चल गया होगा फेसबुक से या कहीं से कि मैं एक अभिनेता हूँ, तो मुझे शायद अपना चेला बनाना चाहता हूँ, ऐसा मेरे दिमाग में आया। लेकिन जब उन्होंने मुझे एक एक चीज़ बतानी शुरू की, तब भी मैं यही मानता रहा कि इनके पास कोई बहुत विद्या है। फिर जब उन्होंने यकीन दिला दिया मुझे, कुछ ऐसी चीज़ें बतानी शुरू की जो सिर्फ मैं ही जानता था, फिर मेरे पिछले जन्मों के बारे में, इस जन्म के बारे में, वो तमाम चीज़ें मुझे बताईं, तो मुझे यकीन हो गया। और यहाँ ये जो मैं एक निचोड़ के तौर पे बात कर रहा हूँ, कि ये तय हो गया कि पुनर्जन्म होता है। कुछ लोगों को याद रहता है और ज़्यादातर लोगों को याद नहीं रहता है। मेरे पता नहीं कितने जन्म हुए, और तमाम लोग जो आप देख रहे हैं, पता नहीं आप लोगों के कितने जन्म हुए, और जिनके साथ हमारा हिसाब किताब रहा वही लोग हमारे जीवन में आते हैं। मैंने अध्यात्म के चार सिद्धांत एक वीडियो डाला हुआ है, देखिए उसे। किसी मकसद से आते हैं वो लोग हमारे जीवन में, किसी भी रूप में आए वो। तो जिनके साथ आपका अच्छा या बुरा जो हिसाब होगा पीछे, उसको चुकता करने के लिए वो आपके जीवन में आएंगे। अब ये देखिए कि युगों पहले की बात है कि गुरु पिता ओमकारा जी महाराज के साथ में मेरा एक हिसाब था, अन्यथा वो नहीं आते। क्योंकि मेरा ये सवाल था कि आप क्यों आए, आप कौन हैं, मेरी मदद करने के लिए, मेरा मार्गदर्शन करने के लिए आप क्यों आए। तो उन्होंने कारण बताया मुझे, ये मैंने वीडियोस में डाला हुआ पीछे, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। तो अब उससे ये सिद्ध हुआ कि जब आप पुण्य दान करने की बात करते हैं, एक तो ये हिसाब किताब हो गया पिछला आपका, ये युगों से चलता रहता है, इसको समझना तो बहुत मुश्किल है, कोई समझ नहीं पाया, कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, साइंस के तो ये बस की बात ही नहीं है। और हम लोग कई बार दलीलें देने लगते हैं, कई बार हमको नास्तिक लोग मिल जाते हैं, क्योंकि जो चीज़ हमारी समझ में नहीं आती है, हमारी दृष्टि से परे है, आमतौर पर हम लोग इनकार कर देते हैं, उसको मानने से ही इनकार कर देते हैं, अपने पे सवाल नहीं करते हैं कि हमारी बुद्धि कम है, हमारी दृष्टि नहीं है, बस उससे मुनकर हो जाते हैं। तो युगों से मेरा ये हिसाब था उनके साथ में, जब मैं महाराजा था और वो राजगुरु के बेटे थे, जो मेरे राजगुरु थे। और जंगल में मैंने उनको, जब मैं भी प्यासा था, एक ऐसी स्थिति थी, आप पीछे एपिसोड जाके देख लें, एक लोटा जल पिलाया था, वो भी प्यासे थे, मैं भी प्यासा था। अब उसका इतना बड़ा महत्व, तो जो ये जिक्र मैंने कहीं किया था, जो पुण्य हम करते हैं, हम दया करते हैं, लोगों का भला करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके पास, मान लीजिए जैसे मेरी स्थिति हुई कि एक लोटा था, वो मैंने उनको पिला दिया, और अब ये युगों पहले बात है, सतयुग की बात होगी, द्वापर त्रेता की मुझे एग्जैक्टली उन्होंने ये नहीं बताया, लेकिन ये बताया कि वो चक्रवर्ती सम्राट होता था और प्रलय हो गई थी, तब तेरा राजपाट सब खत्म हुआ था। तो इसका मतलब प्रलय से पहले की बातें हैं, जब भी महाप्रलय हुई होगी। तो वो जो एक लोटा जल मैंने उनको पिला दिया खुद ना पी के, उससे मेरा इतना बड़ा उद्धार हो गया, मेरे जीवन का कायाकल्प हो गया। इसीलिए जब मैंने एक एपिसोड में कहा था कि वो जो पुण्य खरीदता था कोई आदमी, तो राजा गया था बुरे हाल में उनके पास, और जब उन्होंने खुद ना खा के किसी भूखे को रोटी खिला दी थी, तो उसने कहा ये मैं इतना बड़ा पुण्य है कि मैं इसको खरीद नहीं सकता। तो जब हम अपने साधनों में से, जो हमारे सीमित साधन हों, जैसे भी हों, उनमें से कोशिश करते हैं किसी के साथ शेयर करने की या किसी की मदद करने की, तो वो बहुत बड़ा पुण्य होता है। ये मुझे इनसे पता चला कि एक लोटा पानी पिलाने का मुझे इतना बड़ा पुण्य मिला कि वो शक्ति समय के साथ भक्ति करते हुए, क्योंकि राजगुरु के बेटे थे, गोद लिए हुए, या मुंह बोले कह लें गोद लिए हुए, और उन्होंने इतना जप तप किया कि वो धीरे धीरे प्रोग्रेस करते करते ईश्वर का रूप हो गए, ईश्वर का अंश हो गए,
उस अल्टीमेट स्टेज में पहुंच गए और हम लोग अभी तक अपनी डिमोशन करवाते 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 इस स्टेज में बैठे हुए हैं। लेकिन वो पुण्य अंकुरित हुआ और ईश्वर के दरबार में जब चर्चा हुई तो उन्होंने ये चुनौती स्वीकार की और अपना 3 दिन का तप देके मेरा मार्गदर्शन करने के लिए वो राजी हुए, जबकि बाकी सब मना कर गए। तो एक तो इससे तय हो गया कि हमारे जन्म होते रहते हैं, अगर हमने अच्छा किया है तो आगे हमारी तरक्की होगी, प्रमोशन होगी, जिसके बारे में बार बार कहता रहता हूं, और अगर हमने पाप किए हैं तो हमारी डिमोशन होगी, जैसे मेरी हुई कि महाराजा से धीरे नीचे नीचे आते यहां तक आ गए। तो उससे हमने क्या सीखा कि अच्छे बनो, नेक बनो, ईश्वर का नाम जपो, पुण्यदान करो, दया करो, भला करो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो लेसन इसमें से मिला। अब ये अद्भुत बातें कि उनका आना, मुझे लिखित रूप में उत्तर देना और मेरा यकीन न करना और फिर बाद में मुझे बताना एक स्टेज पे आके कि बेटा मेरा कोई आश्रम नहीं है, मेरा शरीर भी नहीं है, जबकि मैं पढ़ा हुआ था कि इस न किस तरह से मैं इनके दर्शन कर लूँ एक बार। तो ये सारी बातें, जैसे मेरे साथ जो मेरे जीवन में प्रॉब्लम्स थी और जो भी लोग मेरे साथ मेरे जीवन में जुड़े हुए हैं, उन तमाम लोगों से मेरा पिछले जन्मों में संबंध था। हिसाब नहीं निपटा, बाकी है तो फिर दोबारा वो पैदा हुए, कोई दूर पैदा हुआ, कोई एक ही घर में पैदा हो गए, जैसे मैंने अपने भाइयों का जिक्र किया, पिछला हिसाब किताब है। और तमाम लोग, कोई कहीं है, कोई दुनिया भर में कहीं कहीं बैठा, कोई न्यूयॉर्क में बैठा हुआ है, कोई इंग्लैंड में बैठा हुआ है, कोई मुक्तसर में बैठा हुआ है, कोई चंडीगढ़ में बैठा हुआ है, कोई यूपी में है, उन सब से मेरा पिछला रिश्ता था। मेरी पत्नी के साथ में मैंने जिक्र किया हुआ है, तो 9th क्वीन थी, उनको युद्ध में जीत के लाया था। तो तमाम जो लोग आपके जीवन में हैं, इस बात को समझिए, स्वीकार करिए और मानिए। अगर कोई आपसे ढंग से पेश नहीं आ रहा है तो आपने उसका बुरा किया होगा, पिछला हिसाब किताब है। अगर कोई आपके साथ बहुत अच्छी तरह से पेश आता है, आपका बहुत ख्याल रखता है, तो आपका उससे पिछले जन्मों में कोई बहुत अच्छा संबंध होगा। ऐसा मेरे जीवन में जितने भी लोग हैं उन सबके साथ में जो मेरे ताल्लुकात हैं और जो मुझे गुरुपिता ओंकारा जी महाराज ने बताया, वो सारा उस पे खरा उतरता है। बहुत सारे लोग राजा थे, कोई मेरा दरबारी था, कोई मेरा अंगरक्षक था, कोई मेरे स्नान घर का इंचार्ज था, तमाम लोगों के साथ में, कोई राजा था तो मेरा मित्र था, इस जन्म में भी उसने खूब मित्रता निभाई, नहीं पता चलता था, इतने सालों से मुझे नहीं पता चला, मैं हैरान होता था, लेकिन अब जाके पता चला। और उनके पिछले जन्मों में क्या नाम थे ये भी पता चल गए कि क्या नाम था इनका। खैर, तो ये क्लैरिटी आप लोग अपने दिमाग में डाल लें कि ये सारा पिछला हिसाब किताब है। जैसा मैं बार बार कहता रहा हूं कि कर्म, प्रारब्ध, भाग्य और समय, इसी के अंदर सब कुछ है। और ये प्रकृति का जो नियम है उसमें बार बार कहता हूं, आज्ञा, धन्यवाद और माफी, ये कीवर्ड्स हैं। तो आप का वो स्टेट ऑफ माइंड नहीं है, अलग बात है, लेकिन ये जितने भी पेड़ पौधे, जैसा मैंने कहीं जिक्र किया था कि साइंस ने सिद्ध कर दिया, एक ही एनर्जी है, वो जो ऑरा कुछ बस ऐसे टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, तो उन्होंने रशियंस खास करके इस पे काम कर रहे थे, तो उसमें ये एक ही एनर्जी है सब में। तो जब हम कहते हैं कण कण में विराजमान है। अब जो लोग अटके हुए हैं कहीं, जैसा मैंने कहा उन्होंने चित्र खींचे, मुझे एहसास कराया, इसके बारे में बार बार कहा है, मैं उनके दर्शन नहीं कर पाया क्योंकि मैंने इतना तप नहीं किया, उन्होंने कहा तप करो तो दर्शन हो जाएंगे। फोटो किसी ने लिखा था किस तरह से खींचते थे, मैंने कई बार समझाने की कोशिश की, हम कुछ फोटोग्राफ्स कोशिश करेंगे शेयर करने की आपके साथ में, संभव हुआ तो इसी एपिसोड में, जहां ब्लैंक आएगा इसका मतलब उन्होंने कुछ फोटो ब्लैंक खींचे, तो हमको शटर की आवाज से पता चल गया
शुरू में लगा फोन खराब हो गया, जैसा मैंने जिक्र किया था माल फंक्शन है, लेकिन बाद में उन्होंने लिख के भेजा कि मैं आया था, संकेत दे रहा था, तो हमने फोन उठाना शुरू कर दिया। और जिस भी कैजुअल स्थिति में हम लोग होते थे, हमारे चित्र खिंचने लगते थे। तो तमाम जगहों पे उनकी मौज थी। अब ये मुझे बताएं कि अगर कोई अदृश्य शक्ति नहीं है, जिनको संदेह हो, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, सबकी नहीं कर रहा हूँ, तो ये अपने आप कैसे चलता है? और ये संकेत जैसे ही आवाज़ आएगी, और कई बार कैमरा ऑन है तो मुझे या डॉक्टर रूपा को ये संदेह हो गया कि अगर कैमरा अपने आप ऑन हुआ तो शायद प्रभु जी आए हों, या प्रभु जी ने वहीं से ऑन किया हो जहाँ भी वो हैं। तो वो उठा लेती थी और कहती थी खींचिए प्रभु जी खींचिए। तो जब फोटो खींचने लगते थे तब हमको यकीन आ जाता था कि हाँ प्रभु जी आए हुए हैं, वो चित्र खींच रहे हैं। अब ये अपने आप में एक अद्भुत घटना है, इसको कोई माने या ना माने। तो लिखित रूप में कैसे वो भेजते थे ये भी उन्होंने मुझे बताया, हालांकि मुझे मना किया तुमने किसी को नहीं बताना है कि तुझे कहाँ और कैसे आते थे। कई बार मैं जज्बाती होकर बोल जाता हूँ, इस बात का मुझे एहसास नहीं रहता, लेकिन वो संदेश, वो जवाब, वो उत्तर आना, जवाब आना, मतलब हमने बहुत कोशिश की अपने हिसाब से समझने की, जानने की, लेकिन फिर छोड़ दिया। मेरे मन की बातें जो मैं सोचता हूँ वो मुझे बता देते थे, समय भयानक आने वाला है, उन्होंने मुझे बताया। जो भी तेरे जीवन में घट रहा है, मैंने बार बार कहा, तो मैं एक ही जगह इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा हूँ, अलग अलग एपिसोड्स में है, जो मुझे याद आता जा रहा है मैं शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ, कि जो भी तेरे जीवन में घट रहा है ये तेरे पिछले कर्मों के कारणवश घट रहा है। अब ये क्योंकि वहीं से आ रहा है, हालांकि हमको विद्वान बताते हैं, शास्त्रों में, हमारे धर्म ग्रंथों में ऐसा लिखा मिलता है, लेकिन हम मानने को तैयार नहीं है। यहाँ तो मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। और जो तेरे शरीर पे मुझे रैशेज की प्रॉब्लम थी, इसका मैंने जिक्र किया हुआ कुछ एपिसोड्स में, तो कहा ये बेटा तेरे पिछले कर्मों का फल है। और यानी इससे ये सिद्ध हो गया कि हमारे जीवन में जितनी भी प्रॉब्लम्स या सुविधाएं हैं ये हमारे पिछले कर्मों का फल है। आज मैं पढ़ रहा था कि सज्जन लिखा कि मैं इसके खिलाफ हूं, ईश्वर ने बहुत गलत किया कि पिछले जो जन्म में कर्म किए हैं तो उसका फल इस जन्म में, उसकी सजा इस जन्म में क्यों, उसी जन्म में क्यों नहीं। अब ये अलग टॉपिक है, इस पे हम अलग से चर्चा करेंगे। जो लोगों के इस तरह के सवाल होते हैं या डिफरेंट ओपिनियन होते हैं उसके ऊपर अलग से करेंगे, क्योंकि ये ही एक एपिसोड बन जाएगा अगर इस पर हमने चर्चा शुरू कर दी। तो मैं इसी पर रहना चाहता हूँ कि एक तो ये क्लियर हो गया कि हमारे जो कर्म है, जैसे मुझे बहुत सारे लोग, मैंने इसका भी जिक्र कई बार किया है, फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं, रोते हैं, दुखी हैं। अब और वो मैंने कई बार कहा कि लोग पूछते हैं इसके लिए मंत्र बता दो, इसके लिए मंत्र बता दो। कुछ लोगों को लगा शायद हम लोग एस्ट्रोलॉजर हैं, वो अपनी डेट ऑफ बर्थ मुझे ही भेजने लग गए। नहीं, मैंने वैसे जिक्र किया था कि अगर आपके पास एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ टाइम है तो कुछ ऐसे लोग आप अपने आसपास भी ढूंढें, नहीं मिलता तो हम आपको नंबर दे देंगे, हम अपने डाल देंगे चैनल पे, आप उन लोगों से संपर्क करें, वो आपको गाइड करेंगे। वो जेन्युइन लोग हैं, उनमें से एक सज्जन है जो ठीक ठाक पैसे मांगेंगे आपसे, बॉम्बे में रहते हैं, अरविंद स्वामी जी। और एक सज्जन है जो आपकी श्रद्धा पे छोड़ देंगे, वो मोहाली में है, राजेंद्र कुमार जी, लेकिन इनके पास टाइम कम होता है। बहुत लोग हैं दुनिया में, कतार में बहुत लोग हैं। सो मेरा कहने का अभिप्राय ये था कि जो चाहे उनसे चेक करवा ले, तो ये कन्फर्म हो जाएगा कि जो भी आपके जीवन में घट रहा है वो आपके भाग्य का ही हिस्सा है। मेरे जीवन में जो घटा, अगर मैं बंबई गया, फिल्मों में काम किया, सीरियल्स में काम किया, मेरे लिए ये अनइमेजिनेबल था। जो मेरी बैकग्राउंड है गांव की, किसानों की, और हमारा तो कोई रिश्तेदार भी नहीं था, तो कैसे भाग्य ने विधियाँ बनाई और कैसे मुझे ट्रेनिंग दिलवाई, गोल्ड मेडल दिलवाया, और कैसे मुझे बॉम्बे पहुँचा दिया उस इंडस्ट्री में। और जो ग्रह दशा बदली, समय बदला, तो कैसे मुझे वापस ले आया, आके खेतों में बैठा दिया और अध्यात्म पे चर्चा शुरू करवा दी।
अब ये मेरी कुंडली में अगर आप देखें तो ये है। मैं खोजी के तौर पे, एक जिज्ञासु के तौर पे रिसर्च करता रहा हूं कि ये मैच करता है। और जो तमाम लोग हमको दुखी लोग मेरे पास आते थे कभी या मैसेज करते थे, अब फिर ये उनके भाग्य की बात है तो मैं कह देता था, मैं उनको चेक करवाता था अपने अनुभव के लिए, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए। तो जो उनके जीवन में जो हालात होते थे वो बिल्कुल मैच करते थे। तो मैंने कुछ भी ऐसे ही कहना शुरू नहीं कर दिया, खोजबीन की, ईश्वर ने कृपा की, तब बताना शुरू किया। तो अगर हमारे जीवन में आज कष्ट हैं, इसका मतलब ने पीछे बुरा बोया था, अब मत बोना, अब बचना। बड़ा ट्रिकी मामला है, क्योंकि जो प्रारब्ध है वो कंट्रोल करती है, जो भाग्य है वो कंट्रोल करता है। अच्छी बात जल्दी पकड़ में नहीं आएगी, समझ में नहीं आएगी, अच्छा कर नहीं पाओगे, ईश्वर का नाम जप नहीं पाओगे, माफिया मांग नहीं पाओगे, भूल जाओगे, बस माया में खचित रहोगे। तो ये इतना कॉम्प्लिकेटेड मामला है। तो प्रभु जी ने ये तमाम चीजें, गुरु पिता ओंकारा जी महाराज ने एक एक चीज, डॉक्टर रूपा, कई लोग यहां सवाल करते हैं उनके बारे में कि उनका इंटरव्यू नहीं आप दिखाते हैं, तो नहीं तैयार होते हैं, जब तैयार होंगे तो इंटरव्यू करके दिखा देंगे। उनको बहुत बार मैंने कहा, लेकिन उनकी मर्जी है, जब उनकी इच्छा होगी। क्योंकि मैंने उनसे कहा था कि और कुछ नहीं तो लोगों को विश्वास दिलाने के लिए, क्योंकि उनको बहुत जटिल बीमारी थी जहां से उनका कायाकल्प हुआ। और मैंने शब्द वही जो मैं कहता रहता हूँ, सर्व रोग का औखद नाम, वही शब्द उनको दिए और बताया, इसको ऐसे सुनना, ऐसे सुनना, रात को रिपीट पे लगाना, दिन में कान में लगा के सुनना, और खुद पाठ करके अपनी आवाज को सुनना है। तो उनका 25 लाख का खर्चा था, ऑपरेशन मेजर था, बैकबोन का कुछ प्रॉब्लम था। और कोकिला जो बहन हॉस्पिटल है हमारे यहाँ बॉम्बे में, वहाँ के स्पेशल डॉक्टर से उसने पूछा था, और 3 महीने के अंदर शी वॉज एब्सोल्युटली फाइन, कोई ऑपरेशन नहीं करवाना पड़ा, वहाँ से उनका कायाकल्प हुआ और वो समर्पित हो गई इसी लाइन को, अध्यात्म को। खैर, लेकिन उनके बारे में भी, उनसे पुराना राजगुरु की बेटी थी जब मैं महाराजा था। तो ये सारे संबंध हैं, जब तक हम स्वीकार नहीं करेंगे। अब जैसे गुरु पिता ओंकारा जी महाराज ने हर एक सवाल का जवाब दिया, दुष्ट भाइयों के कारण परेशान हो, तुमने पिछले जन्मों में जो किया और इस जन्म में भी जो तुमने गलतियां की मुझे बताया, तो तुम्हारे जीवन में जो और ज्यादा चीजें कॉम्प्लिकेट हो गई उसके लिए भी तुम्हारे कुछ इसी जन्म के कर्म जिम्मेदार हैं। मैं ऐसा महसूस करता हूं कि जैसे उस सज्जन ने सवाल पूछा था कि अगर आपका बैकलॉग है तब तो आपको अगले जन्म में भुगतना ही पड़ेगा, लेकिन अगर आपका बैकलॉग क्लियर हो गया, यानी आपने सारा भुगत लिया है और आप प्रेजेंट में आ गए हैं, तो फिर तो ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है और मैंने जीवन में देखा भी है, लोगों के साथ मिलता है। लेकिन आपका बैकलॉग इतना ज्यादा हो गया है, मैल इतनी ज्यादा है, तो फिर अगले जन्म पे चला जाता है। कई बार किसी कारणवश पोस्टपोनमेंट होती है, डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है, इसका जिक्र मैं कर चुका हूं, मैंने एपिसोड डाला हुआ है। तो हर कदम पे, चाहे वो डॉक्टर रूपा कैसे मेरा सुरक्षा कवच है ये बताया, इनसे क्या संबंध है, ये क्यों मेरे, मैं सोचता रहता था कि ये क्यों पहुंचे भाई, इनका अपना जीवन है, इनके अपने ड्रीम्स थे, लेकिन कैसे विधि बना के उसको चेंज किया, उसके माइंड को, और वो समर्पित होकर, मैं ये कहता रहता था कि ये पवित्र आत्मा है, ये कोई नोबल सोल है, लेकिन पकड़ में नहीं आती थी बात। तो जब उन्होंने लिखित रूप में बताया कि ये कौन है और कितना इसने घोर तप किया था, और इसके जाने के बाद में जो महाप्रलय हुई थी उसमें तेरा राजपाट सब खत्म हो गया था, तो तेरा इसके साथ में हिसाब किताब है, अपने कर्म मत खराब कर। तो मैं बार बार ये उदाहरणें दे दे के कहता रहा हूं कि अपने कर्म मत खराब करना, बचना। हीनर अचेत पाप से डर, कई बार हम अनजाने में पाप करते हैं। हालांकि इस जीवन में, जिसे किसी और का मैं पढ़ रहा था, मेरे सामने आ गया, किसान इतने कीटनाशक डालता है, इतने कीड़े मकोड़े मारता है अपनी फसल बचाने के लिए, तो कहीं ये पाप नहीं है? ये भी एक अलग टॉपिक है, इनके ऊपर अलग से वीडियोस बनेंगे। लेकिन जैसे कई लोगों ने लिखा कि आप इसको बंद मत करें, सत्संग बंद, नहीं सत्संग तो बंद नहीं होगा भाई। जैसा मैंने पहले कहा था ना कि मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गजल आपको सुनाता हूँ,
तो यही तो मैं उड़ता बिछाता हूं, ईश्वर का नाम जपता हूं, जपाता हूं, हर वक्त यही चलता है। और आने वाले वक्त में ईश्वर ने चाहा, कृपा की, तो कुछ योजनाएं हैं, और जो लोग वो अनुभव लेना चाहेंगे उनको हम इनवाइट भी करेंगे। मतलब जिस तरह का अरेंजमेंट हो गया वैसा ही, कि ऐसे आके आप ध्यान लगाइए। जैसे मैंने भाई, सब लोग सतनाम वाहेगुरु कहते हैं, लेकिन ईश्वर ने मुझे जपाया एक दिन। हालांकि कई बार मेरे साथ ऐसा अनुभव हुआ था, लेकिन इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, और वो रिकॉर्डिंग अपलोड करवाई, ठीक है, और मुझे गवाया। तो ऐसे अनुभव, ऐसा सत्संग, डूब के वो जो आनंद आपको आएगा उसकी याद में बैठ के, उसको याद करने में, उसकी उस्तत करने में, उसकी शोभा का गुणगान करने में, उसको बयान नहीं किया जा सकता है। तो धीरे धीरे रंग चढ़ता है। तो मेरा गुरु पिता ओंकारा जी महाराज ने कायाकल्प कर दिया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम डिमोशन क्यों होती है? डिमोशन के लिए जो मेन कारण उन्होंने मुझे बताए, जिसकी वजह से मेरी डिमोशन हुई, कि यदि आप मदरा पान करते हैं, शराब वगैरह पीते हैं, मांस खाते हैं, व्यभिचार करते हैं, अपनी पत्नी के अलावा दूसरी स्त्रियों के साथ संबंध बनाते हैं, तो आपका सर्वनाश, आपकी डिमोशन सुनिश्चित है। ऐसे ही मेरी डिमोशन हुई, क्योंकि मैं एक अय्याश राजा था, महाराजा था। ज्यादातर लोग ऐसे होते थे राजा, लेकिन साथ में धर्म कर्म भी करता था, पूजा पाठ भी करता था, जिसकी वजह से बचाव होता रहा। लेकिन अपने कर्मों की सजा तो भुगतनी थी, डिमोशन तो होनी थी। तो उसमें ये मैंने एपिसोड किसमें कहा हुआ है, यहां मैं तमाम चीजें जो याद आती जा रही हैं उनको इकट्ठा करने का प्रयास कर रहा हूं, कि जब आप मदरा पान करके मांस खाते हैं और किसी दुष्ट स्त्री, आपको तो नहीं मालूम है, किसी वेश्या के साथ में, या जो कॉल गर्ल उसको कहते हैं आजकल, मैं जनरली बात कर रहा हूं, तो प्रभु जी उनको दुष्ट स्त्रियां कहते हैं, तो उसके साथ में अगर आप संबंध बनाते हैं, तो आपका जो अच्छा है सदकर्म आपके जो जीवन में है, उसका 50% वो ले जाएगी, और उसने जो दुष्कर्म किए हैं उसमें से 50% आपको आ गया, तो आपका 50 अच्छा गया और उसका 50 नेगेटिव आ गया, तो आप तो मारे गए। ये मैंने एपिसोड बनाया हुआ पहले। इसकी वजह से फिर आपकी डिमोशन होनी शुरू हो जाती है, आपको एकदम नहीं पता चलता है। एकदम तो पता चलेगा जब आपका हिसाब किताब तकरीबन बैकलॉग क्लियर हो चुका होगा, आप प्रेजेंट में आ चुके होंगे कि अभी जो करोगे उसका हिसाब देना होगा, तो साथ के साथ भी होता है, मेरे साथ हुआ है। तो मेरा लगभग खत्म है पिछला बैकलॉग, थोड़ा बहुत रह गया होगा, और मैं तत्पर हूं उसको निपटाने के लिए। सबसे मैं यही गुजारिश करता हूं कि आप लोग भी ऐसी कोशिश करें, तो एक तो उससे बचें। अब हमारी जो लाइन है, मैंने इसका भी जिक्र किया था कि यहां आप अक्सर कंट्रोवर्सीज पढ़ते रहते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस हैं, झगड़े हैं, डाइवोर्स हैं, व्यभिचार है, क्योंकि जब आप नशा करेंगे, शराब पियेंगे, या और कोई नशा, आजकल तो बहुत तरह के नशे आ गए हैं, उसकी भी कंट्रोवर्सीज होती रहती हैं। आपके पास पैसा है, शोहरत है, तो दिमाग को चढ़ जाती है। फिर आप बाहर जाते हैं, जाके वहाँ शूटिंग करते हैं, आपके पास टाइम होता है, खूबसूरत लोकेशंस होती हैं, 5-star, 7-star अकोमोडेशन होती हैं, तो किसी का भी बैग जाना स्वाभाविक है, जिसे ज्ञान ना हो। यहाँ तो संत महापुरुष ऋषि मुनि अप्सराओं को देख के इंद्रदेव ने उनका तप जो है भंग करवा दिया। तो आम इंसान जो मायाधारी है, जो इस मायावी संसार में खचित है, उसकी क्या औकात बिसात है ग्लैमर के सामने। मुझे माफ करें, स्त्रियों के लिए मुझे उन्होंने कहा था कि वो आज के बाद जाके वचन दो, मैंने वचन दिया। आपको भी वचन देना चाहिए और वचन का पालन करना चाहिए अगर आप प्रमोशन चाहते हैं। गुरु रामदास जी ईश्वर के दरबार में जाके ये वचन दो, मैं वहां उपस्थित रहूंगा, कि आज के बाद हर स्त्री तुम्हारी बहन, बेटी और मां होगी। मैंने दिया वचन और उन्होंने कहा कि मैं अति प्रसन्न हूं। देखिए कमाल की बात है, ये तेरी नहीं बेटा, ये मेरी जीत है। क्योंकि ईश्वर के दरबार से जब वो आए थे तो उन्होंने कहा था, मुझे मालूम था कि तुझे ईश्वर ने बड़ी तीव्र बुद्धि दी है, तेरे सवाल भी बड़े जटिल होंगे और तू इतनी जल्दी मानेगा नहीं।
ये बात सत्य है, काफी देर हमारा संघर्ष चला। मैं अदब से बात करता था लेकिन मेरे सवाल तो रहते थे। और ये जो कर्म की बात है, भाग्य की बात है, इसके लिए तो मैंने उनको निराश ही कर दिया था कि भाई जब मेरा शुक्र गड़बड़ है, कर्म गति टारे नाई टरी, मुनि वशिष्ठ सा पंडित ज्ञानी सोध के लगन धरी, भगवान राम की शादी करवाई थी मुनि वशिष्ठ जी ने, उनको भी वनवास मिला, जंग लड़नी पड़ी, कहाँ कहाँ जाके लव कुश के साथ में, रावण के साथ में, तो हमारी क्या औकात, तो जो लिखा हुआ वो तो होना ही है। तब उन्होंने कहा था, तू तो बहुत बड़ा ज्ञानी है, ज्ञाता है, मैं भला तेरा क्या मार्गदर्शन कर सकता हूं महाराजा। तो यहां आके मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि मैं इतनी जल्दी मान गया सब कुछ, ना बिल्कुल नहीं माना, लेकिन फिर उन्होंने मेरी तसल्ली करवाई, संतुष्ट किया मुझे, तब मैं नतमस्तक हो गया, लंबा लेट गया। ठीक है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी जब उन्होंने मुझे कहा कि ईश्वर के दरबार में बेटा, ईश्वर ने अपने सभी प्रिय बच्चों को बुला के उनसे पूछा, वो ईश्वर के प्रिय बच्चे कौन होंगे, कितनी कितनी बड़ी हस्तियां होंगे, वो उनको बुला के पूछा कि तुम में से कौन अपना 3 दिन का तप देके इसका यानी मेरा मार्गदर्शन करने जाएगा। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। उस दिन तो मैं यहां बाहर जाके लंबा लेट गया था और रोता रहा मैं। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि ईश्वर की मैं नजर में हूं और उस मालिक के दरबार, उसको क्या जरूरत पड़ी है, कितना प्यार करता होगा वो मालिक मुझसे, कि उसको फिक्र थी। और अपने जैसे एक मीटिंग बुलाते हैं, उनको बुला के पूछा और सबने मना कर दिया कि हम 3 दिन का तप देके इसका मार्गदर्शन नहीं कर सकते, लेकिन गुरुपिता ओंकारा जी महाराज ने ये जिम्मेदारी ली, ये चुनौती स्वीकार की और तभी सिलसिला शुरू हुआ। फिर जो शक्तियां कई बार अदृश्य रूप में आपकी मदद करती हैं, कई बार आपके पितृ मदद करते हैं, इस पे मैं आऊंगा अलग वीडियो में, क्योंकि उस पे कुछ लोगों के बड़े प्रश्न हैं और कुछ, और उसको बहुत लोगों ने देखा, क्योंकि दुखी बहुत लोग हैं। शक्तियां, नकारात्मक शक्तियां भी आपके इर्द गिर्द होती हैं, आपके कर्मों के मुताबिक, आपके भाग्य के मुताबिक, सकारात्मक भी होती हैं। अदृश्य रूप में वो आपका काम खराब करते हैं या आपकी मदद करते हैं, आपको बचाते हैं, बहुत से लोगों के ऐसे अनुभव हैं। मेरे साथ में पवित्र शहीद सिंहों का पहरा रहता था, मुझे मालूम नहीं था, जैसे ज्यादातर लोगों को नहीं मालूम होता है। मैंने इंग्लैंड की एग्जाम्पल भी दी थी कि बच्ची वाहेगुरू वाहेगुरू का उसके पेरेंट्स से कहा था, उसका बलात्कार नहीं हुआ, गोरी बच्ची का हो गया, तो उन्होंने बताया कोर्ट में, गोरों ने, जो ब्लैक्स थे उन्होंने बलात्कार किया था, कि इसके साथ 2 लंबी दाढ़ी वाले गाउन पहने हुए, पगड़ियाँ, सोर्ड हाथ में थी, चल रहे थे, बॉडी गार्ड्स थे, लेकिन लड़की को नहीं मालूम था। तो जब हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, उसकी बंदगी करते हैं, इबादत करते रहते हैं, तो अदृश्य रूप में शक्तियां हमारी रक्षा करती हैं। अगर हमको दिखाई देने लगे तो हमारा वो लेवल नहीं, हम डर जाएंगे, हमारा जीवन असहज हो जाएगा, नॉर्मल लाइफ नहीं रहेगी हमारी, जगह जगह हम चौंक जाएंगे, वो कौन खड़ा है, ये कौन खड़ा है, जैसे कुछ लोगों की दृष्टि खुल जाती है तो उनका जीवन असहज हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि उनको सब दिखाई देने लगता है, दूसरी दुनिया की चीजें, लोग, जीव, सब दिखाई देने लगते हैं, आत्माएं, और वो आते हैं उनके पास, उनको पता चलता है इसके पास दृष्टि है भला करवाने के लिए। तो मैं ये जब मुझे 2-3 लोगों ने, इसका मैंने जिक्र किया किसी एपिसोड में, कि लोगों ने मुझसे कहा कि आपके साथ में तो पवित्र शहीद सिंहों का पहरा है, मैं मानता नहीं था, मैंने मुंह से मुड़वाया हुआ है, मेरे साथ कैसे हो सकता है, बाबा दीप सिंह जी के आपको दर्शन हो जाएंगे, ऐसा भी कहा, मैं नहीं मानता था। लेकिन 2016 में मैं विदेश गया था, इसका मैंने जिक्र किया हुआ किसी एपिसोड में, तो ये सिद्ध, ये गुरुपिता ओंकारा जी महाराज ने मुझे 2018 में बताया कि बेटा उस जब तुम विदेश गए थे और वो स्त्री तेरे पास एक आई थी और उसके इरादे नेक नहीं थे, वो तुझे बर्बाद करना चाहती थी, बदनाम करना चाहती थी, और पवित्र शहीद सिंह को ये मालूम था, तो उन्होंने उसका मुंह कैसे तोड़ा था, ये तो बेटा तूने अपनी आंखों से देखा था और ये सत्य था, ये वीडियो आप पीछे जाके देख सकते हैं डिटेल में। तो ये भी सिद्ध हो गया, क्योंकि मैं मान नहीं रहा था, हमको लगा हॉन्टेड होटल होगा या कुछ और चक्कर है, ये लेडी हलुसिनेट कर रही है, लेकिन जब वो 7 दिन तक अपने फोटो भेजती रही कि उसका मुंह सारा सूज गया और घर के भी उसके मानने के लिए तैयार नहीं थे कि बाथ टब में डिग के गिर के कैसे जो है किसी के इतनी चोटें लग सकती हैं चेहरे पे। तो बाद में 2018 में जब ये कन्फर्म हुआ कि पवित्र शहीद सिंह ने उसको मारा था,
तो इसका मतलब मेरे साथ रहते थे, रक्षा करते थे। और मुझे यह भी कहा कि तूने उनको निराश किया, तूने उसके साथ बैठ के मदिरापान क्यों किया। अब मुझे नहीं मालूम था वो किस, उसका प्लान क्या है। तो फिर मैंने माफी मांगी, कहा कि माफी मांग। मैं चमकौर साहब गया बहुत बार और मैंने कहा मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे माफी, पता चल जाएगा। और मुझे 3 बार ये संकेत क्लियर कर दिए गए कि तुझे माफी मिल गई है। अभी और लोगों से मुझे पता चला कि हाँ आपके साथ पहरा है, ठीक है। तो मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि मेरी एक बड़ी लंबी जर्नी रही। लोग बहुत जल्दी सब कुछ जान लेना चाहते हैं, उनको सारे जवाब चाहिए, उनकी तकलीफें फौरन दूर हो जानी चाहिए। नहीं, आपकी तकलीफ अगर दूर होने का समय आ गया, अगर वो आपके भाग्य में है, तभी कोई विधि बनेगी, बहाना बनेगा। और जिसके माध्यम से आपकी वो तकलीफ दूर होनी, उसके माध्यम से दूर होगी, दूसरे के नहीं। तो कई बार आप कई जगहों पे जाते हैं, जेन्युइन लोगों के पास भी अगर आप जाते हैं तो आपको राहत नहीं मिलती है। नहीं, उसको जरिया नहीं बनना है, या फिर आपको कष्ट मिलना होगा, आपके भाग्य आपके कर्म के हिसाब से और कष्ट मिलना होगा। कई बार लोग ये शिकायत करते हैं कि हमने ऐसा क्या किया है, हमने तो किसी का बुरा किया नहीं, पहले किया होगा। मैंने इसका भी जिक्र किया बहुत सारे वीडियोस में। तो गुरुपिता ओंकाराजी महाराज ने जो ये सीरीज हमने शुरू की, उसमें मेरा कोई प्रश्न रहा नहीं। अगर मैंने इस संसार के बारे में और उस संसार के बारे में प्रश्न किए तो उनका मुझे आज्ञा नहीं है। और यहाँ मैंने बहुत बार ये महसूस किया कि ईश्वर से आज्ञा, ये भी बहुत बड़ी बात थी कि जो कुछ भी उन्होंने मुझे जब उत्तर लिखित रूप में देना होता था तो उनको ईश्वर से आज्ञा लेनी पड़ती थी। और वो कहते तो मुझे परेशानी में डाल लेते, ऐसा मैंने कई बार जिक्र किया है, अगर आपने वो एपिसोड देखे हैं। कि और इसीलिए मैंने फिर उनको याद करना, निरंतर याद करना और उनसे उम्मीद करना, इंतज़ार करना कि उत्तर आए, ये उम्मीद करना छोड़ दिया कि जिन्होंने मेरे ऊपर इतनी बड़ी कृपा की है मैं उन्हें परेशानी में क्यों डालूँ, ये मेरी मूर्खता होगी। डिटेक्टिव सिद्धू हैं, उनके घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, उनके बहुत सारे सवाल थे, उनके जवाब दिए उन्होंने, उनको भी मेरे साथ दरबार साहब भेजा। मंगल ढिलोन चैनल, एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिलोन चैनल।